हमसे तो इनका बाप भी नहीं ऐसा था घर आकर के चलो भाई ये बैंक मैनेजर कैशियर सब अंदर होंगे बाकी लोगों की औकात तीन कौड़ी की नहीं है। ये जरा हमारे बराबरी करके कोई कोई माई का लाल बन के दिखा दुनिया का दिमाग खराब है तो मर गए होंगे सारे आंडू गांडू बचे हैं धमोला में। सहल जी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। और भाई हम हो गए परेशान भाई, पूरे 48 घंटे हो चुके हैं बारिश को भाई। हल्द्वानी में बारिश 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 दो दिन से घर के अंदर कैद हूँ। आपने मेरे चैलेंज वीडियो देख के पता लगा ही लिया कि मैं अब चैलेंज वीडियो बनाने वाला हूँ खतरनाक अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन दो दिन से बारिश ने इतनी बुरी हालत कर दी ना भाई, घर से बाहर निकल पा रहे पूरे घर में देखो कीचड़ कीचड़। वहाँ देखो भाई पूरे बगीचे में ऐसा हो गया ना पूरे, यहाँ दिन भर यहाँ पानी पानी भरा रहता है हर जगह। हमारे फूल पेड़ देखो कैसी हालत हो गई इनकी, इतनी बुरी हालत हो गई है कि नहाना धोना था भूल के दो दिन से। घर वॉशरूम भी मेरे घर के बाहर है ना, वो घर है अपना ये बाहर वॉशरूम है, यहाँ आने के लिए भीगना पड़ जा रहा है। और पानी ना हर जगह बंद हो चुका है। ये देखो मम्मी ऐसे पानी भर भर के लेके आ रही बेचारी, बर्तन धोने के लिए तो पानी नहीं हमारे घर में। दो दिन से लाइट नहीं है, पानी की टैंकी बंद हो गई है भाई साहब, अगना मूतना सब खराब हो गया मामला। टॉयलेट वॉयलेट जाने में भी हालत खराब हो गई है, पानी नहीं है भाई। हमने ना अपने बाथरूम में देखो कैसे कर रखा पानी का स्टोरेज, फ्रेश होने के लिए भी हमने ऐसे पानी इकट्ठा कर रखा। ये देखो भाई इतने सारे डब्बे रखे हुए। वैसे तो बारिश बहुत खूबसूरत चीज है, हम गांव वालों की जिंदगी में ना दखल दे थी खतरनाक तरीके, बट क्या करें हमारे हाथ में कुछ है नहीं ना। और देखो सुबह सुबह हमारे पापा बैठे हैं। हेलो पापा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है बढ़िया। आज बारिश तो झमाझम हो रही है पापा। यार बारिश क्या चाहिए बारिश? क्यों क्या नहीं चाहिए बारिश? क्या चाहिए बारिश तुमको पापा? तो मैं जानवर मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, दुनिया के लोग बिस्तर सड़ा रहे हैं अपने और पड़े हुए हैं साले घरों में और बारिश हो रही है पापा। लेकिन बारिश तो खूबसूरत चीज है यार। नहीं हमें नहीं चाहिए बारिश पापा। बारिश में देखो बारिश में मौसम इतना बढ़िया हो जाता है, घूमने फिरने का मौसम होता है, लड़के लड़कियां कार कार बाइक लेके घूमते रहते हैं। पागल लड़के लड़कियां हैं वो पागल। क्यों पागल? क्यों बारिश में घूमते हैं पापा? वो जो गाने चलते हैं पिक्चरों में छम छम नासू में आज छम छम बरसात के मौसम में निकल आया मैं हाथ में बोतल लेके चलाया, वो सब बारिश में तो बने सारे गाने। तो बारिश मतलब एक खूबसूरत चीज है ना पापा। यार कल तो पूरा दिन हम लोग घर के अंदर बैठे रहे ना भाई, परेशान हो गए थे। ये देखो पूरा फर्श इतने बार भीग रहा है जितने बार भीग रहा है। आज पता चल रहा है इन टाइलों को लगा के हमने बहुत बड़ी गलती करी है भाई। इतनी फिसल रही गिरते गिरते बस रहे हम लोग। और मम्मी ना कम से कम हर एक दो घंटे में दो बार पोछ रही है, मम्मी की हालत भी खराब हो गई है। पापा घूमने चले कहीं कार लेके? कहाँ कहीं चलते हैं बारिश में घूम के आएंगे। कहीं बढ़िया नहीं जा रहे हैं बारिश में, कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों ना? क्यों हमें बारिश पसंद नहीं? गंदगी कीचड़ मीचड़ गिरने वाला पापा। लेकिन सबको तो बारिश बहुत पसंद होती है, बारिश में घूमने जाते हैं सब लोग इधर उधर। पागल लोग होते हैं। क्यों पागल लोग? क्यों पापा ऐसा नहीं होता यार, लोग भुट्टा खाने आते हैं बारिश में बताओ। अरे पागल के लक्षण है वो, पागलों का लक्षण है। मैं तो आजकल देख रहा हूँ पिक्चरों में भी हीरो हीरोइन भी तभी घर से बाहर निकलते हैं जब बारिश आती है। पापा तुम्हें बारिश पसंद क्यों नहीं है? क्या तुमने अपनी जवानी में बारिश में नहीं घूमे कभी तुम? अरे भैया हमारी खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, नंबर एक इतनी बारिश में कोई भी फसल उमदा नहीं होगी। 48 घंटे हो गए क्या होगी ऐसे फसल, क्या होगी सब गल जाएगी सड़ जाएगी। तो लेकिन पापा लोग तो बड़े बड़े वीडियो डाल लेंगे बारिश में मजा आ गया बारिश में मजा आ गया। ये हल्द्वानी वालों को क्या लेना है, उनको खेती ना बाड़ी कुछ है तो नहीं उनके पास। डेढ़ कमरे का घर है उसके अंदर पड़े रहे सब डेढ़ दर्जन आदमी। ऐसे मौसम में भाई सब लोग ना अपने अपने घर में पकौड़े बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। और हमारे वहाँ वही बन रहा है झोली भात झोली भात झोली भात। झोली भात भी बड़े भगवानों को मिलता है, एक गधे चुगाने वालों को झोली भात नहीं मिलता है। झोली भात की कीमत क्या है पता है? क्या है? 40-40 50-50 रुपए का एक लीटर दही है। और उसके बाद उसमें उतने आम आदमी खा लेगा उसको, आम आदमी खा लेगा झोली भात को, झोली भात तो। तो लेकिन लोग ये दिल्ली विल्ली रहने वाले बता रहे हैं, दिल्ली में रहने वाले क्या है वो कुछ नहीं, उनको रहना है जिंदगी समाप्त करनी, बट डॉट डॉट पिज्जा डॉट फूल है उनका, उनका कोई लाइफ का मैं भरोसा नहीं करता। हम झोली भात खाते तो मेरे को मेरे दोस्त लोग कहते हैं तो रोज झोली भात ही खाता रहता है, हम तो दिल्ली में देख बर्गर खा रहे हैं पिज्जा खा रहे हैं। दुनिया कैसी बारिश में घूमना है, बारिश का मौसम है बरसात के मौसम में। दुनिया का दिमाग खराब है, दुनिया पागल हो गई है। एक तुम ही पैदा हुए हो पर हाँ पागल तो है ही दुनिया। परम ब्रह्म ईश्वर दिनेश, मैं तो यहाँ के धमोला के 91 परिवार पागल है। क्या बात कर रहे हो 99 होंगे ना, तुम ही तो अच्छे रह गए बस। 91 पागल है साले, 9% लोग बचे हैं जो अभी आदमी उससे लोकलिटी से जी रहे हैं। धमोला वालों लोगों से अलग हो क्या हटके कुछ? हम अलग से दुनिया से अलग हैं। क्या ये धमोला से हटके हैं क्या अलग है? दुनिया से हटके हम दुनिया से हटके हैं, दुनिया से हटके हैं। धमोला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या है धमोला?
धमोला में पापा बड़े बड़े महान लोग रहते हैं। तुम क्यों रह रहे हो? है क्या धमोला में? तो नहीं है, तुम क्यों रहते हो यहाँ? हमारा तो गाड़ी है ये धमोला, तो मुल्ला कोटी का गाड़ी है। बड़ा गढ़ हो रहा है तुम्हारा। अतीस सतीस हुआ सती सुनार या पूरी रहते हैं हमारा बुढ़ला कोटी का गढ़ है। बुढ़ला कोटी का गढ़ बहुत अच्छे हो रहे हैं तुम्हारे बुढ़ला को। तुम्हारे बुढ़ला कोटी किसी काम के हैं पहले बताओ मुझे। सब हमारे बराबर तो कोई काम का भी नहीं होगा, देश में नहीं होगा, इस देश में पैदा नहीं होगा हमारे बराबर का आदमी। तो तुम वहाँ चले जाओ अमेरिका, वो ट्रंप के साथ चले जाओ। क्यों जाए? विमान के विमान है ट्रंप। और क्या? ट्रंप पता है मोदी जी का बिल्कुल कट्टर फैन है। मोदी जी का वैसा ही मोदी है। और क्या फिर? ये क्या हुआ? हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की रहेंगे, सदा कांग्रेस ही रहेंगे। खत्म हो चुकी जो पार्टी बता इनको। हमारे कहने से खत्म हो गई होगी, हमारे कहने से खत्म नहीं होगी। ना गली में कोई कांग्रेस का बंदा, ना शहर में, ना देश में। मत हो, घर में होना चाहिए बंदा। तो कांग्रेस यहाँ है मेरे दिल में। हमारे दिल में कांग्रेस है, हम उस जमाने के हुए हैं कांग्रेस जी। पापा यार ना 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 ना, हम ये मोदी जी कि हम गुलामी करना पसंद नहीं करते। मोदी कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, अगर तार्किक क्या से देखा जाए तो मोदी भी दूसरे तीसरे के भर। मोदी जी ने राम मंदिर बना रखा, इतना भव्य काम कर रखा है। मोदी जी ने बड़ा निराला बना रखा, अपने घर के पैसे लगा दिए उसने, निराला बना दिया। आखिर पहल तो उन्होंने करी। कोई पहल नहीं, पहल दुनिया करती है। पहल तो कांग्रेस ने आज तक बनाया कभी 70 साल में? कांग्रेस ने भी दुनिया को जीना सिखा रखा है। कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या? तुम सरकारी लोगों की नौकरी के पैसे बढ़ाने के अलावा जीना सिखा रखा है। जीना कैसे जीते हैं करके दुनिया को ये सिखा रखा। हमने तो आज तक यही सुना पेपरों में, अखबारों में, न्यूज में कि कांग्रेस ने खाओ और खाने दो की राजनीति करी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे यहाँ के विपक्षियों का बोलने का लहजा है। तुम कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए गाँव के? हम प्रवक्ता प्रवक्ता कुछ नहीं, हम सामान्य। अच्छा तुम्हें इतना ही दम था, तो फिर रामलीला यहाँ से वहाँ क्यों चलेगी? कुछ क्यों नहीं कहा? यहाँ के चूतियों की देन है, ऐसे ही कहते हैं। पता गाइस, जो रामलीला में हमेशा मैं जोकर बना करता था, ये हमेशा रामलीला का डायरेक्टर बना करता है। राम हमारा भाई लक्ष्मण, इस बार रामलीला हमारे धमोरा से चले गई। पापा यहाँ के लोगों के कर्मी ऐसे हैं। कौन है वो लोग जो कमेटी में शामिल? सारे झमोला में जितने भी हैं सबके कर्म खराब है। इसी रामलीला को तुमने 26 साल दिए बाबा। और क्या फिर? और 26 साल में तुम हमसे तो इनका बाप भी नहीं आ सकता घर आकर के, चलो भाई ये करवा दो, ये कर दो, ये करना है, वो करना है। तो तुम्हारे होते हुए कैसे चलेगी बताओ वहाँ? हम इनको पसंद ही नहीं है, इनका कार्यकलाप भी पसंद नहीं। 26 साल तक लगातार रामलीला में अपना वो दिया, बाद में क्यों हाथ पीछे कर लिया? हमने किनारे कर लिया। तो तुम 15 साल राम क्यों बने? हम बने अपनी इच्छा से बने, अंदर टैलेंट था हमारे अंदर। क्या टैलेंट था? बने बन के दिखा भी दिया जरा, हमारे बराबरी करके कोई इस गांव वाले, इस गांव का कोई माई का लाल बन के दिखा दे ढंग से, वैसा अभिनय करके, वैसे आर्ट दिखा के, वैसी कला करके। पता नहीं क्या, मैं तो तुम्हारी बात ही सुनी है। मैंने ये किया वो किया, देखा तो कद्दू भी नहीं। लेकिन पापा कहते तो यार कि मतलब एक टाइम था देविया रावण और दिनेश राम का जो अभिनय होता था, और देविया दशरथ और क्या कहते हैं पापा का केके का अभिनय करते थे, तो भाई साहब लोग तालियां पीटते थे। अभी भी पीटते होंगे बेचारे, अभी भी पीट रहे होंगे वो, अभी भी पीटेंगे। तो वो तो मार गए होंगे सारी जिंदगी, हमने जो दिया। अब आंडू गांडू बचे हैं धमोला में। अच्छा बचे कुछ? और पता है मैं अपने गांव में जब घूमने आता हूँ ना, कहीं तो लोग मुझसे कहते हैं तुम दिनेश राम के बेटे हो। तुम पता मुझसे आज भी तुमको लोग दिनेश राम के नाम से जानते हैं, ऐसा क्यों? अभी भी दिनेश राम ही कहते हैं। ऐसा क्या करा तुमने ऐसा खास? जो हमारे आर्ट देखा होगा उन्होंने तो वो खुश हो गए। मतलब क्या दिखाते थे तुम ऐसी आर्ट में अपना? वही चीज तो है ना, जब आदमी खेलता है किसी चीज को तो खुद खुद निकल के बाहर आ जाता है उसके शरीर। ऐसा क्या गाते थे तुम कि लोग सुनते रह जाते? ऐसा कौन से सुर में गाते थे? एक लाइन सुना दो कोई गाने की, कोई कोई बताओ कौन से गाने द्वारा सुर अच्छा है? हवा मार दी, हम पैदा नहीं हुए तो मार दी। साले पैदा भी नहीं थे हम तो, हम जिन्होंने सालों ने हमारा रोल देखा है अभिनय देखे हैं, जो जिंदे हैं अभी इस गांव के अंदर उनसे पूछो। एक लाइन सुना दो, तुम्हारा सुर देख लेंगे। हमने तो बाला मेहरा को देखा है भैया गाना गाते हुए। अरे वो भी हमारा चेला है, हमने सिखाया उसको, हमने सिखा रखा कल उसको, आज इतने लायक बनाया हमने बनाया। एक गाना के का सुना दो। रागनी है वो। कैसे गाते रागनी बताओ तो? आज मैं सो भेष बनाऊं, क्रिया चरित रचूंगी। पापा तुम्हारी आवाज कैसी लगी? आवाज कहाँ गई? आवाज बहुत इसी आवाज में तुम तारीफ करते अपनी। खड़े हो करके मंच में चलता रहता आवाज तो खुद खुद। मैं तो मंत्रा का पार्ट भी नहीं दूंगा इस आवाज में। हमें खेलना ही नहीं है। क्यों नहीं सुना रहा तुम? मेरे पास नहीं आवाज, मैं नहीं खेला हूँ, कुछ नहीं करा हूँ। झूठ झूठ बोल वो छोड़ो तुम। अकाना कह रहा है मैं टॉफी नहीं दूंगा, कल से 250 रुपए दे देना पहले उसके। उधार खा रहे हो तुम यार? 250 पापा तुम टॉफी कौन खा रहा है?
₹250 का उधार और ₹250 की टॉफी खा दी है। हाँ, और मैंने कहा अभी पैसे तो कह रहे हैं दे दूंगा एक दो साल में तो बाबा पैसे उसको उनके सब दे देंगे यार, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है, देंगे या नहीं देंगे जिसका खाते हैं बाबा उसका देना तो बनता है। होंगे तब देंगे ना। वो दुकानदार कब तक करेगा उधार? जब तक ईमानदारी से जिएगा, ईमानदारी से चलेगा तब तक खिलाएगा टॉफी। और किस दिन मना कर दिया टॉफी नहीं दे रहा हूँ तो फिर हो गया छुट्टी कर देंगे और उसका पैसा मर जाएगा वो डेड। भाई हमारे बगल में एक नई दुकान खोली है, मेरे ताऊ के बेटे ने, पापा ने वहां से ₹250 की टॉफियां लेके खा दी है। अभी आपसे जवाब भिजवाया कि ₹250 वापस कर दो, पापा बोल रहे हैं जब होगा तब दे देंगे, ईमानदारी से रहेगा तो पैसा मिलेगा, अगर ऊंच नीच करेगा तो पैसा मर जाएगा। वही थोड़ी है, और भी दुकानदार है। कितने दुकानदार है? कमली है वो है। तो उधार तो किसी का भी करोगे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। वो तो देंगे फिर जब होंगे तब देंगे ना। जब होंगे क्या होता है? ना ये कोई बात हुई, जब होंगे उसको भी तो पैसे चाहिए होते हैं। तो दे ही मत बल। तो तुम सामान मांगने वहाँ क्यों आते हो? दे ही मत मतलब? ना ना ना, अगर उसको इतना गुंजाइश नहीं है 200, 400, 500 रुपए की तो मत दिया करोगे। तो हम कहीं और से ले आएंगे क्यों बाबा? अरे 1 करोड़ दुकानदार है पापा, वो को पापा पुलिस केस ना कर दे कहीं कोई। जिंदगी जीनी भी तो है उसको। तो तुम क्या हर किसी को? तो मतलब तुम उसे धमकी दोगे क्या? तुम उसको डराओगे? 27 बार टट्टी फिरेगा साला। क्या करेगा 27 बार? क्या करेगा? लैटिन फिरेगा। 27 बार टट्टी करेगा? और क्या? अगर तुमसे लड़ेगा तो? हमसे बैर क्यों लेगा? हमसे बैर लेने का मतलब है दावत देना अपनी जिंदगी को, अपनी मौत को। तो पापा का उधार चुकाने के लिए हम पापा की पासबुक लेकर बैंक जाएंगे, उसमें से फिर हम ₹200 निकाल के लाएंगे, फिर दुकानदार को ₹250 देंगे, ₹50 मैं दे दूंगा। तुम्हारे पासबुक से ले आओ निकाल के पैसे। फिर मेरी पासबुक से पैसा देगा ही नहीं, बैंक मैनेजर अंदर होगा पहले। बैंक मैनेजर कैशियर सब अंदर होंगे। क्यों ऐसे कैसे? हाँ। देंगे कैसे निकाल दिया पैसा उसने? तो ₹200 निकालने में कौन अंदर होता है? ऐसे नहीं होते, ₹200 तो अपने घर से देगा। तो भी हो ना वो आदमी जो वहाँ जाके कहते तो कि ये मेरा लड़का नहीं है, इसको पैसे मत देना। तुमने एक बार पापा मुझे फंसवा दिया बहुत बुरी तरीके से। आज 1.5 साल पहले की बात है, क्या कहते हैं पापा का एक्सीडेंट की बात है ना, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी तो मैंने पापा से चेक कटवा के ले गया 1 लाख रुपए का, बैंक गया मैं। तो हुआ क्या, उस दिन बारिश आ गई थी तो मैं अगले दिन चला गया, तो पापा ने चेक काटा आज और अगले दिन बैंक गया। तो मैं बैंक में मैंने चेक लगाया, उसने गड्डी निकाली मेरे हाथ में थी, उसने बोला एक बार मुझे आपके फादर से बात करनी है। तो पापा से उन्होंने फोन किया और पापा ने बोल दिया मैंने तो कोई चेक काटा नहीं, उसने पैसे वापस ले लिए, ऊपर से कहते चेक भी रख लिया अपने पास, ऊपर से मेरे को पुलिस में देने की तैयारी भी होने लगी थी। फिर मैंने पापा तुम किस दिन जेल भिजवाओगे हमको, मुझे लग रहा है तुम्हारी ऐसे हालत। एक दिन पहले का चेक दूसरे दिन क्यों दे रहे उसको? उसको नौकरी नहीं करनी है साले। वो उसने पूछा कि तुमने चेक काटा, तुमने ना क्यों कहा? पहले दिन काटा है तो नहीं काटा तो नहीं काटा। भाई दिन के 2 बज चुके हैं और हमने ऐसी बरामदे में बैठे पड़े, सोए भी तो कितना सोए, उठे भी तो कितना उठे यार, बारिश ने ऐसी हालत खराब कर दी ना भाई, देख रहे हो आप ये बारिश, एक सार बारिश हद हो गई। ऐसे बारिश वैसे तो बड़ी खूबसूरत होती है लेकिन लगातार 48 घंटे से बारिश होने से हमारी उड़द की खेती है, हमारी क्या कहते हैं आपका उड़द के अलावा धान की खेती है, हमारी क्या क्या खेती है, अगर 2 दिन तो हो गए, तीसरा दिन भी हो जाएगा तो पूरे नाले बह जाएंगे भाई साहब। तो गाइस पूरा दिन निकल गया, अब जाके ना हल्की हल्की सी धूप आई है और पता आज पानी की इतनी दिक्कत हो गई ना भाई, क्या बताऊं पूरी नहरें सूख गई हैं, तो हम पानी भरने का टैंकी में जुगाड़ कर रहे हैं इस तरीके से देखो सामने। अभी हमने क्या किया ना, हमने ट्यूबवेल खुलवाया अपने गाँव का, क्योंकि पानी के जो नल के जो सोर्स है सारे टूट गए हैं, इतने नाले इतने सब कुछ आने के बाद ना सब खत्म हो चुका है, घर में ना पीने का पानी है ना नहाने धोने का पानी है। तो मैं अपनी छत पर आ गया हूँ, पूरा टैंक खाली हो चुका है, ये देखो भाई पूरा टैंक खाली हो चुका है, टैंक गंदा भी कितना हो रहा है भाई, चलो वैसे पानी नहाने वाला ही है। तो भाई वहां से हमने पूरा पाइप ले रखा है नीचे, नहर से पानी भरने के बाद अपनी टैंकियां भर देंगे हम। कल तो पूरा दिन बारिश रही भाई, पूरा दिन बारिश रही, इतना परेशान हो गया भाई ना। और ये देखो ना, देखो मौसम का नजारा देखो तुम हमारे वहाँ का भाई, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि अभी फिर से बारिश होने वाली है। घर में कभी भी कोई मेहमान आ गया तो बिल्कुल दिक्कत ना हो जाए। ये अब हमारा टैंक भर जाएगा। तो गाइस आप बोलते हो ना कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं जिम को आउट में कर रहा था, मैं कुछ दिखाता हूँ भाई, मेरे ना चारों ओर बस जंगल ही जंगल है भाई। वो देखो सामने, यहाँ से जिम को आउट की जंगल शुरुआत होती है, ये देखो सामने, ये देखो ये पूरा जिम कॉर्बेट का जंगल है, और यहाँ से ना हमारे कुछ लोग हैं, हमारे जो घर वाले हैं बिरादरी के लोग हैं उनके घर है, बाकी पूरा का पूरा जंगल है चारों ओर, देखो आप है ना खूबसूरत भाई, लोग तरसते हैं जिम कॉर्बेट में आकर रहने के लिए, हमारी तो पूरी प्रॉपर्टी है मतलब हमारा घर बार। तो भाई एक टंकी तो हमारी भर चुकी है पानी की, और ये वाली टंकी भी आधी भरी, देखो हमारे वहाँ के पानी में कितना चूना है यार भाई, देखो पूरी टंकी में चूना चूना हो गया पूरा। देखो एक बारिश की वजह से कितनी सारी परेशानी हो जाती है यार, अभी पानी की टंकी भरी और अभी ना पड़ोस वाली छतों से और हमारी छतों से ऊपर से कीचड़ आके पूरा फर्श ऐसा गंदा हो गया। अब मम्मी लगी है इस फर्श को साफ करने में, देखो ये भाई साफ, चलो कम से कम पानी तो भरी गया यार। ये देखो ये हमारा सिलबट्टा है भैया, ये भी गंदा हो गया, बताओ सारे पेड़ गंदे हो गए भाई, सारे पेड़ गिर गए थे भाई, इतना कीचड़ कीचड़ सा हो गया था ना। लेकिन एक बात है, बारिश के आने के बाद ना हमारे पेड़ पौधे बड़े प्यारे लग रहे हैं सच में, देखो हरे भरे सब कहते खिल गए भाई बारिश से यार।
तो भाई अब सारा काम वाम करके मम्मी आके बैठ चुकी है आराम से, और बारिश भी अब हल्के हल्के रुक गई, देखो बिल्कुल शांत हो गई है और फर्श भी सूख गया भाई, और देख रहे हो मजा आ गया। दिन भी पूरा बीत गया, 3 दिन मेरे पूरे खराब हो चुके हैं। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत जल्दी एक नई चैलेंजिंग वीडियो आएगी आपके सामने हमारी टीम के साथ। पापा ने भी नहा लिया है, हेलो क्या हाल है पापा? चलो ठीक है, बाय बाय फिर। सही कब है? बाय बाय। सही कब है ये बता। क्या हुआ? अब हो गया जो होना था, अब एक दिन इंतजार है। इंतजार है, लाओ यहाँ तो मुझे कुर्सी। सर चलो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।